बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अली रज़ा और आप देख रहे हैं होंडा बाइक पहली यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीखते हैं गाड़ी। इसका अभी ये सिलेंडर है, 78 सिलेंडर की गाड़ी है ये, तो चाइना की गाड़ी है। तो इसका सिलेंडर बिल्कुल फट चुका है ऊपर से। तो इसकी फटने की क्या वजह है, ये क्यों ऐसा हुआ है, इसकी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। पहले तो इस इंजन को ओपन कर लेते हैं। तो इसकी हालत भी काफ़ी सारी ख़राब है, बहुत ज़्यादा डस्ट लगा हुआ है और आयल भी यहाँ से लीक हुआ है। तो पहले से फट चुका है ये, आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल सुराख हो चुका है। तो कितना ज़्यादा सुराख है, अभी तो इसका सिलेंडर नया ही डालना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर वेल्डिंग भी करवाएंगे तो वो नहीं चलेगा। तो इसका सिलेंडर नया डालना पड़ेगा। तो इसकी क्यों, तो इसकी वजाहत इंशाल्लाह आपके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो को पूरा देखिएगा। इंजन ओपन हो चुका है, तो अभी इसको दोबारा बंद करेंगे, ऐसे भी इसको वॉश करने लगे। तो वॉश करने के बाद ही इसको बंद करेंगे। तो इसकी हालत आप देख सकते हैं, काफ़ी सारा इसमें डस्ट भी लगा हुआ है। इसको जब भी आपने टाइमिंग चेंज की, अक्सर औकात गाड़ी की आवाज़ आती है, तो कुछ लोग करते हैं कि यार इसको थोड़ी देर चला लेते हैं, लेकिन अभी इसका ये नुकसान हो चुका है। तो अभी 250-300 का टाइमिंग चेंज पवाने की वजह से, ना डलवाने की वजह से ये ना सिलेंडर बिल्कुल डैमेज हो चुका है। तो अभी तकरीबन 1400-1500 रुपये का जो सिलेंडर है न्यू अच्छे वाला, वो डलवाएगा और टाइमिंग चेन, इससे आपका डबल नुकसान हो जाएगा। सिंगल का तो इस तरह आप टाइमिंग चेन बदल लेते तो उससे बेहतर हो जाना था। तो क्या करना, अभी ये फट तो चुका है तो इसको नया ही डालना पड़ेगा। तो इस तरह करते हैं कि इसको अभी यहाँ पे, पहले सोचा था कि वेल्डिंग करवा लें, लेकिन वेल्डिंग भी नहीं होगा, क्योंकि वेल्डिंग उस चीज़ को होता है जहाँ पर ये देखी वेल्डिंग है, तो इसमें फ़र्क आ जाएगा, लीकिंग नहीं छोड़ेगा। तो इसको अभी सिलेंडर हम नया ही डालेंगे। तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो इसमें डिटेल के साथ मिलेगी। तो टाइमिंग चैन ख़राब होने के और भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, जो टाइमिंग चैन ना डलवाने की वजह से गाड़ी के ऑयल पंप में मसला आ जाता है। उसके अलावा स्टॉपर पथरी होती है, जो जिसको शायद तोता पथरी भी बोलते हैं, वो भी पथरी ख़राब हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा मसला आ जाता है इसका टाइमिंग चैन ना डलवाने की वजह से। तो आप जब भी टाइमिंग चैन की नॉर्मल सी आवाज़ हो तो उसको आप ज़रूर डलवा लिया करें। तो ये देखें, ये काफ़ी सारा घिस चुका है अंदर से। तो इस साइड को आपको मोड़ के दिखा लेते हैं कि ये देखें, ये इतना घिस चुका है कि अभी तो बिल्कुल सिलेंडर के पास ही चला गया है। तो इसकी वजह से डैमेज हो चुका है। तो इंशाल्लाह पूरा मुकम्मल इंजन फिट करके आपको इसकी डिटेल वीडियो और मुकम्मल इंशाल्लाह बताएँगे।